हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। टोटल उसमें 13 क्वेश्चंस थे और वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको वो एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2। तो उन तमाम बच्चों से जिन्होंने एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो नहीं देखी है, मैं उन तमाम बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि वो सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करें, मेरी वीडियो देख के मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर उनको फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 5 का फोल्डर नज़र आएगा जहाँ पर 5.1 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो जब वो कर लेंगे तो उसके बाद 5.2 उनको जब ही समझ में आएगी, वरना विदाउट 5.1 उनको 5.2 समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड हैं दोनों एक्सरसाइजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखिए, इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 5 का ग्रुप्स। ये आम जो लफ्ज़ होता है, ग्रुप बना लो भाई 5 लोगों का, 6 लोगों का, मैथ में ग्रुप कुछ और होता है। तो असल में ग्रुप को समझने के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 थी। 5.1 का जो कॉन्सेप्ट था वो था बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस क्या थे, मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत डिटेल में समझा दिए थे, और एक्सरसाइज 5.1 का हर क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन से ही रिलेटेड था। जो एक्सरसाइज 5.2 है, जो आज मैं आपको शुरू करवाने के लिए जा रहा हूँ, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड क्या है, ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ग्रुपॉइड को समझने के लिए बाइनरी ऑपरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसके सारे ही सवाल एक्सरसाइज 5.1 में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको स्क्रीन पे आपकी बुक का ही एक पेज है जिसकी स्नैप नज़र आ रही है, और 5.4 लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर, और हेडिंग है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये मैं एक डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। अ नॉन एम्प्टी सेट एस टुगेदर विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एक सेट एस है जो कि नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब है उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, और उसके साथ उस नॉन एम्प्टी सेट के साथ एक या एक से ज़्यादा अगर बाइनरी ऑपरेशंस हैं मौजूद हैं तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की जो पहली डेफिनेशन है जिससे रिलेटेड आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टॉपिक 5.4.1 ग्रुपॉइड्स, इस पर हमने सबसे पहले फोकस करना है बहुत अच्छी तरह से। तो ग्रुपॉइड क्या है, अ ग्रुपॉइड S steric is an ordered pair consisting of a non-empty set S and a binary operation steric defined on S। तो ये असल में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ग्रुपॉइड, जिसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सेट S जो कि non-empty हो, दूसरा steric। steric का मतलब है binary operation। ये मैंने बहुत डिटेल में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि स्टेरिक का मतलब है बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टेरिक एडिशन भी हो सकता है, ये स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, और ये स्टेरिक सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो अगर ये दो चीज़ें मिलेंगी आपस में तो फिर हम बोलेंगे कि यस, ये ग्रुपॉइड है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, लेट टी, अच्छा ज़रूरी नहीं है सेट एस ही हो। एस का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो सवाल में हो वो सेट एस ही लिखा हो, टी भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है लेट टी इज इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50। ये एक सेट है जिसमें आपको 5 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, और इसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन है, एक सर्किल है, उस सर्किल के अंदर एक क्रॉस लगा हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन को हम किसी भी शिकल में डिफाइन कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक सर्किल है, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि भाई यार ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, भाई कुछ भी नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है।
क्योंकि इसकी डेफिनेशन आगे दी भी होती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंड सर्किल बी डिफाइन ऑन टी, और ये बाइनरी ऑपरेशन नीचे दिया हुआ है कि एक्स का जब वाई के साथ बाइनरी ऑपरेशन करोगे तो आंसर हमेशा 40 आएगा। यानी कि तुम इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट ले लो टी में से और उनका जब भी बाइनरी ऑपरेशन करो ये 40 है, तो ये जो है वो 40 आएगा, बस ये उसने बोल दिया आपको। अब हमें इसमें कोई कंसर्न नहीं है कि ये एडिशन है सबट्रैक्शन है ये क्या है, बस एक्स का बाइनरी ऑपरेशन वाई से जो है वो क्या है 40 है। अब क्या ये जो 40 आ रहा है क्या ये 40 टी में मौजूद है? यस, ये 40 टी में मौजूद है और ये यूनिक है, यूनिक का मतलब है रिपीट नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हैं कि यस, ये जो सर्किल है जिसमें एक क्रॉस लगा हुआ है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है टी के ऊपर। यही तो डेफिनेशन है कि जी जो भी आप बाइनरी ऑपरेशन कर रहे हो उस सेट में मौजूद हो, तो यानी कि क्लोज्ड हो, क्लोज का मतलब है कि वो उस सेट में मौजूद हो, तो अगर मौजूद है तो बाइनरी ऑपरेशन है। जब बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब है कि यस ये ग्रुपॉइड है। तो अब आपने एक चीज़ सीखी कि ग्रुपॉइड होने की जो पहली सीढ़ी है, जो फर्स्ट स्टेप है ग्रुपॉइड के लिए, ये क्या होना चाहिए? ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन होगा तो बात आगे बढ़ेगी, अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा तो फिर वो ग्रुपॉइड हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू में क्या लिखा हुआ है जनाब, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके आपको और सही से दिखाता हूँ। लेट स्टेरिक बी डिफाइन ऑन एम थ्री। अब देखें ऊपर जो बाइनरी ऑपरेशन की शिकल बनाई हुई थी, एक सर्किल बनाया हुआ था और अंदर जो है एक क्रॉस लगाया हुआ था। नीचे एग्जाम्पल नंबर टू में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? वो स्टेरिक है, लेकिन आगे डिफाइन भी तो किया हुआ होता है उसने, ये भी असल बात है। लेट स्टेरिक बी डिफाइन ऑन एम थ्री। एम थ्री का मतलब होता है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ये आपने चैप्टर नंबर फोर में पढ़ा होगा। ऑर्डर थ्री का मतलब होता है तीन रोज और तीन कॉलम। अब ये कहता है कि भाई ये जो है मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री का, एम थ्री माने मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री। अब आगे इसका बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है कि ए स्टेरिक बी जो है वो दरअसल क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी माने ए एक मैट्रिक है ऑर्डर थ्री का, बी भी एक मैट्रिक है ऑर्डर थ्री का। तो अब आप मुझे खुद बताएं, जब आप ये जो ऑपरेशन लिखा हुआ है ए प्लस बी, यानी कि जब आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो जो आंसर आता है क्या लिखा हुआ है, एज ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। यानी कि जब आपने दो मैट्रिक्स ऐड किए और एक नया मैट्रिक्स आया सी, और वो सी भी जाहिर सी बात है किस में होगा, एम थ्री में, क्योंकि एम थ्री का मतलब है एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री। तो जब आपने दो मैट्रिक्स ऐड किए, तीसरा मैट्रिक्स आ गया वो भी एम थ्री में आता है, और वो यूनिक होगा, यूनिक माने वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तमाम मैट्रिक्स से अलग होगा। तो इसका मतलब है कि जी अब आपका जो ये स्टेरिक है ये बाइनरी ऑपरेशन है, और बाइनरी ऑपरेशन है और एम थ्री में मौजूद है, इसका मतलब है कि ये ग्रुपॉइड है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी कि ग्रुपॉइड के लिए जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसका यूनिक होना ज़रूरी है और वो सेट में मौजूद हो। अगर बाइनरी ऑपरेशन होल्ड नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर वो ग्रुपॉइड हो ही नहीं सकता। क्या लिखा हुआ है इसके बाद नीचे वाली लाइन में, अ ग्रुपॉइड एस स्टेरिक इज सेट टू बी कम्यूटेटिव और अबेलियन इफ स्टेरिक इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा इन दो लाइनों का मतलब। तो अब तक आपने एग्जाम्पल नंबर वन में और एग्जाम्पल नंबर टू में जो बहुत अच्छी तरह से डेफिनेशन समझी, वो ये समझी कि जी ग्रुपॉइड के लिए बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे, यूनिक हो तो वो ग्रुपॉइड होता है। चलिए अब हम इसकी हेल्प से एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर वन करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नंबर वन आपके लिए पहले से लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है जनाब 5.2, आर द फॉलोइंग ग्रुपॉइड्स। मैं इसका पेज भी खोल लेता हूँ। ताकि आपको आपकी बुक का नजर आए तो आपको ज्यादा फिर अच्छा लगता है। यह आपकी बुक का सवाल, आर द फॉलोइंग ग्रुपॉइड्स, चार पार्ट्स हैं इसके। कहता है ये चारों जो है वो ग्रुपॉइड हैं। पहला लिखा हुआ है क्यू और प्लस, दूसरा है आर और माइनस, तीसरा है एम थ्री और डॉट, और चौथा है
वी और डॉट। चले अब हम इसको वन बाय वन करते हैं। वेट करें एक मिनट, जरा मैं अपनी टैबलेट सेट कर लूं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है इसका, क्यू और प्लस। अब ये हमें पता होना जरूरी है कि ये जो क्यू लिखा हुआ है ये क्यू क्या चीज है। पार्ट नंबर वन की बात कर रहे हैं अभी हम। पार्ट नंबर वन जो है हमारा, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये बात मुझे पता होगी कि ये क्यू क्या है तो फिर तो कहानी आगे सेट होगी। अगर मुझे ये ही नहीं पता होगा कि ये क्यू क्या है तो फिर बात बनेगी नहीं। क्यू असल में क्या होता है ये अभी सवाल स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये जो अंदर लिखा हुआ ये क्या है। क्यू होता है रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में हो, जबकि Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5/2, फॉर एग्जाम्पल 6/5, फॉर एग्जाम्पल 10/3, फॉर एग्जाम्पल 7। अब 7 एक रैशनल नंबर है, क्यों 7 को 7/1 लिख सकते हैं। 10 एक रैशनल नंबर है, 10 को 10/1 लिख सकते हैं। -25/2 एंड सो ऑन, बस अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए। तो दुनिया के वो तमाम नंबर जिसमें अपॉन में जीरो ना हो और पॉइंट के बाद खत्म हो जाए उनको आप बोलते हो रैशनल नंबर। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बता रहा हूं। तो अगर मुझे ये नहीं पता होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं तो फिर बात आगे बनेगी नहीं, बात आगे बनेगी नहीं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो तमाम नंबर जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, या जिनका जब आप डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेट हो जाए आफ्टर सम डेसिमल प्लेसेस। तो ये तो है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के साथ जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, प्लस का। क्या रैशनल नंबर अंडर प्लस ग्रुप वाइड है या नहीं, ये सवाल है। अब हम सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। देखें अब हम सवाल को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, एक मिनट जरा रुकिए प्लीज। तो ये जो मैंने आपको सारा बताया है, अब हम इसकी वर्किंग कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज दैट ये अभी पार्ट वन ही चल रहा है, सवाल तो अब स्टार्ट, सॉल्यूशन तो अब स्टार्ट हुआ है। लेट हम सपोज करते हैं कि भाई एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, और ये दोनों जो हैं वो क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि आपने कोई से भी दो नंबर लिए और वो दोनों नंबर जो हैं वो क्यू के एलिमेंट हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ए और बी को आपस में ऐड करूंगा, क्योंकि बात हो रही है एडिशन की, ये देखें ये एडिशन लिखा हुआ है, तो अगर मैं ए और बी को ऐड करूंगा तो क्या तब भी वो क्यू में जाएगा? बिल्कुल, देख लीजिए आप, ये आपके पास बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप इनमें से कोई से भी दो नंबर ऐड करें, इन दो फ्रिक्शंस को ऐड करें, तो जवाब एक फ्रिक्शन ही आएगा ना। और क्या वो फ्रिक्शन रैशनल नंबर में होगी? बिल्कुल सही बात है, रैशनल में होगी। यानी कि जब भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाता है जवाब हमेशा रैशनल नंबर ही आता है। इसके आगे लिख दीजिए फॉर ऑल
इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। तो जब दो नंबर्स को ऐड किया जाए और जवाब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया जाए और जवाब एक रैशनल नंबर आए तो इसका मतलब होता है कि यस ये बाइनरी ऑपरेशन है। देखें ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर वन। ये एग्जांपल नंबर टू ही देख लें क्या लिखा हुआ था। अगर ए प्लस बी को आपने ऐड किया, ऐड करने पर एक मैट्रिक्स आ जाए सी, वो भी ऑर्डर थ्री का ही हो एंड इट्स यूनिक, तो आप कह सकते हैं इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका जो जवाब लिखेंगे आप अपने सवाल का, वो किस तरह लिखेंगे, एज द एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स produces a rational number। क्या मतलब कि जी जब दो रैशनल नंबर को ऐड किया जाए और जो आंसर आ रहा है वो भी एक रैशनल नंबर हो और एंड इस यूनिक, यूनिक का मतलब है कि जो आंसर आए उस जैसा आंसर कोई दूसरा नहीं हो। लाजमी सी बात है जब आप दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो ऐसी कोई और फ्रैक्शन उसी रैशनल नंबर में नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं सो प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हेंस क्यू प्लस इस ग्रुप वाइट। तो जो सवाल नंबर एक था वो क्या लिखा हुआ था, आर द फॉलोइंग ग्रुप वाइट्स। तो पार्ट वन के लिए जो आंसर है वो है यस इट इज अ ग्रुप वाइट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब है कि जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया तो जवाब भी एक रैशनल नंबर आया। सो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। चलिए अब हम पार्ट टू स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो पार्ट टू अब हम करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट टू हमारे पास क्या है, आर और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन। अब आर मुझे पता होना चाहिए, अगर मुझे जिस तरह मुझे क्यू पता होना चाहिए इस तरह मुझे आर पता होना चाहिए। तो आर असल में क्या है आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बता दूं, आर का मतलब होता है रियल नंबर। आर माने रियल नंबर, और इसको इस तरह बोलते हैं एनी नंबर इन द यूनिवर्स,
एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर आर रियल नंबर्स. दुनिया का हर नंबर रियल नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर के अलावा. इमेजिनरी नंबर क्या होता है, वो जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था जहां पर आपको आयोटा नजर आए, वो रियल नहीं होता. उसके अलावा कोई भी नंबर ले लें, अपॉन वाला, बगैर अपॉन वाला, रूट वाला, बगैर रूट वाला, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं. अब वो कह रहा है कि ये जो आर है अंडर, जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका, वो है सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव. नेगेटिव साइन, क्या ये ग्रुप पॉइंट है? चलें, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मैं, बल्कि इसको पहले थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देता हूं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर. मैंने दो नंबर लिए, एक ए और एक बी, और मैंने कहा कि भाई ये दोनों नंबर जो है ये आर के एलिमेंट्स हैं. अब मैं यहां लिखता हूं, अगर मैं इन दो नंबर्स को आपस में सबट्रैक्ट करूं तो क्या तब भी वो आर का हिस्सा होंगे? जवाब है यस. भाई फॉर एग्जांपल एक मैं ले लेता हूं 10 और एक मैं ले लेता हूं 5. अगर मैं 10, क्या 10 और 5 दोनों रियल नंबर हैं? यस रियल नंबर हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है आयोटा के अलावा. तो अब ऑपरेशन क्या है माइनस का, तो 10 माइनस 5 क्या होता है? 5 होता है. क्या ये रियल नंबर है? यस. एक मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल माइनस 9 और एक मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 2. क्या ये रियल नंबर का हिस्सा है? यस. अगर मैं इन दोनों नंबर को सबट्रैक्ट करूं तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो इनका आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस 11. क्या माइनस 11 रियल नंबर का हिस्सा है? जवाब है यस. तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो रियल नंबर को जब भी सबट्रैक्ट किया जाता है तो वो हमेशा जो आंसर आता है वो रियल नंबर का हिस्सा ही होता है. तो यहां मैं लिख रहा हूं फॉर ऑल ए बी जो है वो आर का हिस्सा है, बिलोंग्स टू आर. चलें, अब हमें पता लग गया कि जी ये जब दो नंबर्स को सबट्रैक्ट किया जाता है तो उनका जवाब भी एक रियल नंबर ही आता है. तो अब हम यहां लिखेंगे कि देखिए ये जो लिखाई है ना, जो राइटिंग है ना, ये बहुत जरूरी है. राइटिंग बहुत जरूरी है वरना आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं. एज द डिफरेंस ऑफ एनी टू रियल numbers is also a real number. कि जब भी दो real number को subtract किया जाता है तो उसका answer भी एक real number होता है. तो आप bracket में लिख सकते हैं, so negative जो minus है is a binary operation, ब्रैकेट क्लोज. अच्छा, एक लाइन और लिखनी थी. ये जो लिखा है ना रियल नंबर्स इज ऑल्सो अ रियल नंबर, इसके बाद एक और लाइन लिखनी थी, मैं भूल गया. ये लिखना नहीं भूलिएगा, एंड इज यूनिक. जब आप दो नंबर्स को सबट्रैक्ट करते हो, सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो रियल नंबर तो है, वो यूनिक भी है, यानी कि उस जैसा रियल नंबर के अंदर कोई और नहीं है. तो ये याद रखिएगा, इज अ बाइनरी ऑपरेशन. ऑन आर, ऑन आर यानी कि रियल नंबर पे. सो आर माइनस जो है वो क्या है? इज अ ग्रुप वाइट. क्यों? क्योंकि वो ग्रुप वाइट की डेफिनेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन पे होल्ड कर रही है. तो उसने कहा था सवाल नंबर एक में, आर द फॉलोइंग ग्रुप वाइट्स. तो ये पार्ट टू जो है ग्रुप वाइट है, तो आप लिखेंगे यस.
समझ में आई जनाब? चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट थ्री। पार्ट थ्री है जनाब। एम थ्री डॉट, एम थ्री का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, कोई भी मैट्रिक्स जो कि ऑर्डर थ्री का हो उसको एम थ्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 0, 5, -3, 2, 6, 7, 1, 9, क्या ये एम थ्री है? यस yes. क्यों? क्योंकि इसमें तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो अब कोई भी मैट्रिक जिसमें तीन रोज और तीन कॉलम हो उसको क्या पुकारा जाएगा? उसको पुकारा जाएगा M3। अब हम सवाल की तरफ आ रहे हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। और रोज और ऑर्डर जिस मैट्रिक्स के सेम हो आप जानते हैं कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। खैर बहरहाल उसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। तो अब वो ये कह रहा है कि क्या मैट्रिक्स M3 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुपॉइड है या नहीं। स्टार्ट करते हैं। लेट हम सपोज कर लेते हैं कि भाई ए और बी जो है वो दो मैट्रिक्स हैं जो कि एम थ्री से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि ए जो है वो भी 3x3 है और बी जो है वो भी 3x3 है। ये ख्याल रहे आपको, दो मैट्रिक्स जो कि 3x3 है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है और वो दोनों जो है वो एम थ्री से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब अगर मैं, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई, अब अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा, अब अगर मैं ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो जवाब आ जाएगा सी, और सी जो है ये भी एम थ्री का हिस्सा होगा। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री के, ऑर्डर थ्री की बात हो रही है ये ख्याल रखिएगा, अगर दो मैट्रिक्स ऑर्डर थ्री के मल्टीप्लाई किए जाए तो जो आंसर आता है वो भी ऑर्डर थ्री का होता है। तो यहां मैं लिख रहा हूं एस सी इज ऑल्सो 3x3, जभी तो वो एम थ्री में जाएगा, वरना तो वो एम थ्री में जाएगा ही नहीं। तो आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं सो सी, बल्कि सी से ज्यादा बेहतर क्या है, एक मिनट रुके, देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि हां सही है, सो ए बी, बस खाली सी लिख दें क्योंकि सी आ रहा है ना, सी इज यूनिक। जाहिर सी बात है जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस जैसा कोई और आंसर नहीं आ सकता, ये यूनिक का वर्ड बहुत जरूरी है। सही है, आगे लिखेंगे हैंस डॉट डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एम थ्री, हैंस, बल्कि हैंस लगा चुके हैं तो दस एम थ्री कॉमा डॉट
इज अ ग्रुप वाइट। तो सवाल नंबर एक में उसने क्या कहा था, आर द फॉलोइंग ग्रुप वाइट्स, तो ये ग्रुप वाइट है, तो हम कह रहे हैं यस। तो ये है जनाब इसका पार्ट नंबर थ्री। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये सारे सवाल समझने में। चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर वन का फोर्थ पार्ट। पार्ट फोर, पार्ट फोर है वी डॉट। जिस तरह पार्ट वन में आपको क्यू के बारे में पता होना जरूरी था, पार्ट टू में आर पता होना चाहिए था, पार्ट थ्री में एम थ्री पता होना चाहिए था, इसी तरह पार्ट फोर में आपको वी पता होना चाहिए। तो वी असल में क्या है, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी विच एक्सप्रेस बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो तमाम क्वांटिटीज जो कि डायरेक्शन भी पोजेस करें और साथ में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, ये इस तरह बोलते हैं, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, इस वक्त ये वो वाला मल्टीप्लाई नहीं है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं है। याद रखिएगा वी के साथ जब भी डॉट आएगा तो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा, ये होगा डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यकीनन आपने फिजिक्स का चैप्टर टू पढ़ा होगा जिसमें आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जो है वो दो एक एग्जांपल दे देता हूं। फर्स्ट करें दो हम वेक्टर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं वी वन फाइव आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ वी टू। देखें अभी तक मैंने आपको जितना भी काम करवाया है उसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। सवाल तो मैं शुरू करूँगा अभी, क्योंकि ये समझ में आएगा तो सवाल एक सेकंड का भी नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, वी वन और वी टू आपको दे दिए, अब मैं निकालता हूँ वी वन का डॉट वी टू के साथ। तो कैसे निकलता है डॉट प्रोडक्ट, आप सारे बच्चों को आता होगा, एग्जाम्स बहुत करीब हैं। I को I से करते हैं डॉट प्रोडक्ट में, J को J से करते हैं और K को कैसे करते हैं, तो 5 को 2 से करें, 5 टू से 10 और I डॉट I क्या होता है 1, तो I खत्म हो गया। फिर माइनस 2 को माइनस 3 से करें, माइनस माइनस प्लस 2 3 से 6 और J डॉट J क्या होता है 1, तो J खत्म हो गया। फिर 3 को 7 से करें, 3 को 7 से करें, 3 7 से 21 और K डॉट K क्या होता है 1, तो 10 और 6 16, 21 और 16 कितने होते हैं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो आंसर आ गया 37। और इसका मतलब यह हुआ कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। जिन बच्चों ने फिजिक्स बहुत अच्छी तरह पढ़ी हुई है वो तो एक सेकंड में समझ गए होंगे। तो मैंने आपको दो वेक्टर्स का डॉट लेके दिखा दिया, V बता दिया क्या है, डॉट का मतलब भी बता दिया। अब आते हैं सवाल की तरफ, सही है जनाब। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट V1 कॉमा V2, और ये बिलोंग करते हैं किसमें, सेट V में, सही है जनाब। अच्छा अब ये आ गया हमारे पास और आगे लिख देते हैं फॉर ऑल V1 V2, बल्कि इसकी जरूरत भी नहीं है ऑल 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 दिखाने की, आगे पहले ही बता चुके हम कि बिलोंग करता है वी से, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने से भी कोई फायदा नहीं है।
तो अब हम अगर v को, v1 और v2 कोई भी दो वेक्टर है, अगर हम v1 और v2 का डॉट लें, अगर हम v1 और v2 का डॉट लें तो क्या ये v से बिलोंग करेगा? जवाब है नहीं करेगा, मैंने कट लगा दिया। क्यों? अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि जब दो वेक्टर का डॉट लिया मैंने तो आंसर आ रहा है 37। तो यानी कि दो वेक्टर का डॉट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसीलिए तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं हम। तो इसलिए v1 का जो डॉट लिया मैंने v2 के साथ वो v में है ही नहीं, इसलिए मैं आगे लिखूंगा अब एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट अ वेक्टर, इज नॉट अ वेक्टर बट अ स्केलर, यानी कि वेक्टर है ही नहीं। सो जो डॉट प्रोडक्ट है इज नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब है उसमें मौजूद ही नहीं है, v में मौजूद ही नहीं है। ओके और डॉट इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन तो है ही नहीं, और जाहिर सी बात है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन अगर नहीं है तो फिर ये ग्रुपवाइड हो सकता है? नामुमकिन। तो ये जो यहां तक मैंने लिखा इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाके यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी, वी में है ही नहीं, हैंस वी डॉट इज नॉट अ ग्रुपवाइड। तो सवाल क्या था उसका, सवाल नंबर एक में, आर द फॉलोइंग ग्रुपवाइड? जवाब है इसका नो। तो खाली नो या यस नहीं लिखना था, वर्किंग करके यस और नो बताना था। तो आई होप यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नंबर वन। तो मैंने आपको सारे पार्ट्स करवा दिए क्वेश्चन नंबर वन के, और आपको कितना मजा आया होगा करने में। और आपने देखा क्या आपको किसी किस्म के कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या कोई मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी? नहीं। सिंपल बुनियादी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट थे और आपने काम कर लिया। चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर टू। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर टू, इज एस, इज एस स्टेरिक अ ग्रुपवाइड? क्या एस स्टेरिक जो ऑर्डर पेयर है क्या ये ग्रुपवाइड है? जबकि एस उसने आपको बताया हुआ क्या है, एस वन टू थ्री फोर, एंड स्टेरिक इज डिफाइंड ऑन एस बाय, एस बता दिया वन टू थ्री फोर है, और स्टेरिक बताया कि एक्स वाई का जब भी बाइनरी ऑपरेशन किया जाएगा आंसर हमेशा टू होगा। कैसे टू होगा हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, बस उसने बोल दिया टू होगा तो टू होगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू एस। बहुत ही आसान सवाल है, इंतहाई इजी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है वन टू थ्री फोर, और जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है एक्स स्टेरिक वाई बराबर है टू। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, टेबल बना लेते हैं।
और जब हम टेबल बना लेंगे तो हमारा सारा का सारा काम खुद ब खुद आसान हो जाएगा। यहां इसने ये भी बोला हुआ है कि फॉर ऑल एक्स वाई जो है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, एस से कर रहे हैं। चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल हमने 5.1 में बहुत दफा बताए बनाए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4। अब देखें उसने खुद कहा है कि जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन करोगे स्टेरिक के जरिए, यानी कि एक्स स्टेरिक वाई, आंसर हमेशा 2 आएगा। तो 1 स्टेरिक 1 क्या होगा, डेफिनेटली 2। 1 स्टेरिक 2 क्या होगा, 2। 1 स्टेरिक 3 क्या होगा, 2। 1 स्टेरिक 4 क्या होगा, 2। क्यों होगा उसने कहा है, कैसे होगा हमें कोई कंसर्न नहीं है। फिर 2 स्टेरिक 1 2 सब में 2 आएगा। फिर 3 स्टेरिक 1 2 3 स्टेरिक 2 2 2 2 फिर 2 2 2 2 क्या क्या 2 जो है एस 2 belongs to S, क्या 2S में मौजूद है, yes, and is unique, क्या 2 unique है, yes, क्यों 2 कोई और भी मौजूद है, नहीं, so steric is a binary ऑपरेशन ऑन एस, हेंस एस, एस थोड़ा गंदा बन गया, हेंस एस स्टेरिक इज अ ग्रुप वाइड। तो उसने क्या कहा था सवाल में, सवाल नंबर 2 में, इस एस स्टेरिक अ ग्रुप वाइड, और हमने साबित कर दिया कि ये ग्रुप वाइड है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया यस। मैं फिर कह रहा हूं कि एग्जाम में आपने खाली यस और नो नहीं लिखना भाई, पूरी वर्किंग के साथ लिखना है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है जनाब क्वेश्चन नंबर 3, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इस एस और सर्किल में एक डॉट लगा हुआ है। ये बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं। इस अ ग्रुप वाइड, जबकि एस जो है वो उसने डिफाइन किया हुआ है क्या, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, और बाइनरी ऑपरेशन जो है सर्किल विद डॉट वो भी डिफाइन किया हुआ है नीचे, ए सर्किल बी बराबर है ट्राइंगल फॉर ऑल ए बी इन एस बिलोंग्स टू एस। बहुत ही आसान है, इंतहाई बच्चों वाला सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले एस देख लेते हैं, एस हमें दिया हुआ है एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, ये एस है, और फिर उसने कहा कि भाई ए बाइनरी ऑपरेशन बी जो है वो हमेशा क्या है, ट्राइंगल है। क्यों है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। अब इसका भी हम वही टेबल बना लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। तो जनाब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है, और एलिमेंट क्या है एस के, एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, और यहां पर भी क्या आ जाएगा, एक ट्राइंगल आ जाएगी और एक रेक्टेंगल आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है कि जब भी तुम बाइनरी ऑपरेशन करोगे हमेशा ट्राइंगल आनी चाहिए, ये उसने डिफाइन कर दिया। तो ट्राइंगल का ट्राइंगल से क्या होगा, ट्राइंगल ट्राइंगल का रेक्टेंगल से क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये उसने कहा है। रेक्टेंगल का ट्राइंगल से क्या होगा, ओ सॉरी मैंने देखे रेक्टेंगल बना दिया जबकि ट्राइंगल आना चाहिए, माजरा चाहता हूं आपसे,
ट्रायंगल के ट्रायंगल से ट्रायंगल, ट्रायंगल से ट्रायंगल के रेक्टेंगल से ट्रायंगल, रेक्टेंगल के ट्रायंगल से ट्रायंगल और रेक्टेंगल के रेक्टेंगल से भी ट्रायंगल होगा। तो जनाब ये देखें आपके सामने सब में ट्रायंगल आ गया। अब आगे लिखूंगा मैं एस ट्रायंगल बिलोंग टू एस, क्या ट्रायंगल ऐसे मौजूद है? यस। एंड इज यूनिक, यूनिक माने क्या ऐसी कोई और ट्रायंगल भी नजर आ रही है एस में? नहीं। सो जो ऑपरेशन है इज अ बाइनरी ऑपरेशन, हेंस एस कॉमा सर्कल इज अ ग्रुपोइड, इज अ ग्रुपोइड। तो जो इसका सवाल था, सवाल नंबर तीन, इज एस एंड ऑपरेशन सर्किल में जो डॉट लगा हुआ इज अ ग्रुपोइड, और मैंने क्या साबित किया कि ग्रुपोइड है, तो इसका आंसर होगा यस। तो जनाब ये था क्वेश्चन नंबर थ्री। अब इसके बाद अगर आप देखें आफ्टर क्वेश्चन नंबर थ्री, जो कि मुझे उम्मीद है आपको बहुत जबरदस्त समझ में आया होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया बहुत जबरदस्त है। अब अगर आप इसके बाद देखें तो सिर्फ और सिर्फ दो सवाल बचते हैं, एक क्वेश्चन नंबर फोर और एक क्वेश्चन नंबर फाइव। ये भी मैं आपको आज की क्लास में कंप्लीट करवा सकता हूँ, लेकिन एक तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा और हमें पढ़ना पड़ेगा ये सवाल चार और पाँच करने के लिए। जो सवाल नंबर एक दो तीन थे वो तो बिल्कुल सेम थे, इसलिए सारे ख़त्म करवा दिए। चार और पाँच में थोड़ी सी चेंजिंग है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा तो फिर ये चार और पाँच भी हो जाएंगे। तो इसको हम अगले लेक्चर के लिए रख लेते हैं, तब तक के लिए आप क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री की खूब प्रैक्टिस करें। तो ये थी हमारी आज की क्लास, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत ज़बरदस्त समझ में आई होगी। अगर आप मेरी क्लास से बहुत ज़्यादा मुतमईन हो रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरा नया लेक्चर अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, आपका फ़ायदा है। इसके अलावा मेरी वीडियोस को सिर्फ लाइक ही ना करें बल्कि शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, और आपके कमेंट्स से मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और तमाम दोस्तों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएँ, क्योंकि इन बांटने से बढ़ते हैं कभी कम नहीं होता। तो मैं विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों को अल्लाह हाफिज़।